कृष्ण और सुदामा की ये मार्मिक, अद्भुत और अद्वितीय मित्रता की कथा को श्रवण करने वाले सब मित्रों को राधे राधे। हुआ ऐसा कि गुरु संदीपनी के आश्रम से शिक्षा प्राप्ति के उपरांत उधर भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए और इधर सुदामा जी कर्मकांडी पंडित बनके अपने परिवार का दायित्व निभाने लगे। किंतु विडंबना देखो कि एक तरफ एक मित्र अपने जीवन में सभी प्रकार के ऐश्वर्यों के आनंद ले रहा था और वहीं दूसरी तरफ उसका परम मित्र सुदामा विकट निर्धनता में अपने परिवार सहित किसी तरह जीवन यापन कर रहा था। कठिन परिश्रम के उपरांत भी वो पत्नी सहित अपने दो बच्चों को दो समय का भोजन उपलब्ध करवाने में भी असमर्थ था। निर्धनता इतनी कि यदा कदा सभी को भूखा रहना ही पड़ जाता था। किंतु ये जानते हुए भी कि उनका सखा द्वारिका का राजा है, लज्जावश सुदामा सखा कृष्णा से किसी भी प्रकार की सहायता के लिए कह नहीं पा रहा था। परंतु ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता था जिस दिन सुदामा अपने परम सखा श्री कृष्ण की प्रशंसा किए बिना रह पाता। मेरा प्राण है मन मोहना, मेरा प्राण है मन मोहना, है जो द्वारिका का बादशाह, मेरा सांवरा मेरा सांवरा, मेरा प्राण है मन मोहना, मेरा प्राण है मन मोहना, है जो द्वारिका का बादशाह, मेरा सांवरा मेरा सांवरा, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। मित्रों, निर्धनता के कारण एक तो परिवार की दयनीय दशा और उस पर प्रत्येक दिन सुदामा जी के मुख से श्री कृष्ण की प्रशंसा सुनते सुनते एक दिन उनकी पत्नी सुशीला दुखी हो जाती हैं और कहने लगती हैं कि तुम रोज रोज अपने जिस द्वारिकाधीश धनी और कृपालु मित्र श्री कृष्ण की प्रशंसा करते हो, अगर वो इतना ही धनाढ्य है तो इस दीनता में वो हमारी सहायता क्यों नहीं करता। होगा धनी तेरा सखा, वो राजा होगा नाम का, जो न काम आए मित्र के, ऐसा सखा किस काम का। अपने प्रिय सखा के लिए अपनी पत्नी के मुख इस तरह के कड़वे वचन सुनकर सुदामा दुखी हो गया और बड़े ही प्रेम से अपनी पत्नी सुशीला को समझाने का प्रयास करने लगा। प्रिय तुम दुखी अब यूं न हो, मुख से वचन यूं ना कहो, दिल का धनी वो महान है, मेरे हाल से अनजान है। किंतु इतना समझाने पर भी उनकी पत्नी की समझ में कुछ नहीं आता और वो कहने लगती हैं, मुझे क्या पता कि वो तुम्हारा सांवरा द्वारकाधीश है भी कि नहीं, वो धनवान है भी कि नहीं, क्योंकि पिछले 12 वर्षों से तो मैं तुम्हें देख रही हूं कि तुम उनकी भी प्रशंसा कर देते हो जो प्रशंसा के योग्य भी नहीं होते हैं। इतना सुनने के बाद सुदामा जी एक बार फिर से पत्नी को समझाने का प्रयास करने लगते हैं। उसे हो
होगी जो ही मेरी खबर आ जाएगा मेरा सांवरा मेरा प्रिय सखा मेरा सांवरा मनमोहना मेरा सांवरा किंतु मित्रों सुदामा के लाख समझाने पर भी उनकी पत्नी सुशीला की समझ में जब कुछ नहीं आता है और वो अपनी इस हट पर अड़ी रहती हैं कि या तो सुदामा जी अपने मित्र अपने सखा की अमीरी के बारे में झूठ बोल रहे हैं या फिर कृष्ण से उनकी उतनी अच्छी और गहरी मित्रता नहीं है जितना वो इस मित्रता का बखान करते हैं। इतना जानने के बाद सुदामा जी एक बार फिर अपनी पत्नी को समझाने का प्रयास करते हैं। हे स्वामिनी तुम जान लो जो भी कहा सच मान लो शंका ने क्यों घेरा तुम्हें बतलाओ ना इतना हमें। इतना सुनकर सुशीला सुदामा जी से बोली तुम जाओ स्वामी द्वारिका ठुकरा न देना प्रार्थना सब हाल देना उन्हें बता फिर देखना वो कहेंगे क्या। पत्नी के ऐसे वचन सुनकर महापंडित सुदामा जी जो मित्रता का मूल्य समझते थे एक बार फिर से दुविधा में पड़ गए। उन्हें लगने लगा कि अब वो पत्नी को समझाने में विफल हो गए हैं। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं और दुखी होकर वो कहने लगते हैं अपने लिए जो मांगा अगर क्या सोचेगा मेरा सांवरा मेरे प्राण है मनमोहना मेरा सांवरा मेरा सांवरा। सुदामा जी की विवशता देखकर तो उनकी पत्नी और अधिक हठी हो गई और कहने लगी ऐसा कुछ नहीं है कि मित्र से सहायता मांग लेने पर मित्र का अनादर हो जाए या कुछ मान सम्मान घट जाए अतः अब तो आपको द्वारिका जाकर अपने सखा से सहायता लेनी ही पड़ेगी और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं भी वचन लेती हूं कि अपने सखा से मिलने को तुम द्वारिका जो न जाओगे मुझे अन्न जल से तब तलक तुम दूर ही बस पाओगे। सो भाइयों सुदामा जी ने भी अपनी पत्नी सुशीला के हट के आगे अपने घुटने टेक दिए और सखा भगवान कृष्ण से मिलने की तैयारी करने लगे। न सफल हुए समझाने में तो भलाई समझी है जाने में बोले है जिद अब छोड़ दो तुम अन्न जल को ग्रहण करो। इतना सुनकर सुशीला प्रसन्न हुए बिना न रह सकी। वो समझ गई थी कि उसने जो चाल चली थी वो जीत गई। उसे देखकर सुदामा कहने लगे
हम जा रहे हैं द्वारिका, लाचार समझेगा सांवरा, मेरे प्राण है मनमोहना, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। इतना सुनते ही पत्नी उठकर उनकी तैयारी में हाथ बटाने लगी, धोती दे दी, धुला हुआ गमछा भी देने के बाद कहने लगी कि स्वामी, आपको स्त्रियों की भांति लज्जा बहुत आती है, इसलिए आपसे एक बात स्पष्ट रूप से कह देना चाहती हूं। मेरे स्वामी एक विनती सुनो, अपने सखा से जो तुम मिलो, लज्जा को अपनी त्यागना, और तब मदद तुम मांगना। अपनी पत्नी के मन को मोह और लोभ में डूबे हुए देखकर सुदामा का हृदय रुदन करने लगता है। वो सोचने लगते हैं कि कितनी स्वार्थी स्त्री है कि जिसे अपने पति के मान सम्मान की किंचित मात्र भी परवाह नहीं है। अतः वो आंखों में आंसू लिए अपनी पत्नी से कहने लगते हैं, लज्जा की अब बिसात क्या, अब खुद ही हम बिक जाएंगे, तुम व्यर्थ चिंता ना करो, भौतिक सभी सुख लाएंगे, पर ये बड़ा संकोच है, उपहार में उसे देंगे क्या, मेरे प्राण है मनमोहना, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सुदामा के मुंह से उपहार की बात सुनकर उनकी पत्नी सुशीला तुरंत अपने रसोई घर की तरफ भागती हैं और रसोई घर से कुछ मुट्ठी चिवड़ा लाकर सुदामा के गमछे में बांधती हैं, जिसे देखकर सुदामा जी संकोचवश कहने लगते हैं, ये चिवड़ा मैं उपहार में ले जाऊंगा कैसे, वहां इस भेंट की खातिर मेरा उपहास ना होए वहां। ये सुनकर सुदामा की पत्नी अपने प्रिय पति से बोली, सम्मान में एक पान भी देता है कितना मान भी, सामर्थ्य के अनुसार ये हमने दिया उपहार ये। इतना कहकर सुदामा जी की पत्नी ने उन्हें ढांढस बंधाया और अंदर से उनका बेंत लाकर उन्हें दिया और हाथ से उन्हें उनके खड़ाऊ पहनाए और चिवड़ा बंधा गमछा उनके कांधे पर डाल दिया और बड़े प्रेम से सुशीला ने अपने पति सुदामा को घर से विदा किया। विदा लेते समय सुदामा अपनी पत्नी से कहने लगे, ये काम हो जाए सफल, प्रिय इतनी करना तो प्रार्थना, मेरे प्राण है मनमोहना, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा।
इधर द्रवित मन में नाना प्रकार के विचार लिए सुदामा जी द्वारिका जी की राह पर अग्रसर हैं। उधर द्वारिकापुरी में राज दरबार में जग के तारनहार द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण आज कुछ इस तरह के अलग विचारों में खोए हुए हैं जिस तरह के विचारों में वो पहले कभी नहीं खोए थे। उन्हें ना तो महारानी रुक्मिणी का ध्यान है, न खुद का और न राजकाज का। सभी दरबारी भगवान श्री कृष्ण को देखकर हतप्रभ है कि जगन्नाथ को हुआ क्या है। रुक्मिणी उन्हें देखकर कहती है, क्यों इस तरह खोए हो तुम, ऐसी हुई है बात क्या, मुख पे है क्यों ये उलझने, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। रुक्मिणी का प्रश्न सुनकर भगवान श्री कृष्ण की तंद्रा भंग हो जाती है और वे अपने मुख पर बनावटी मुस्कुराहट लाकर महारानी रुक्मिणी को ध्यान से देखते हैं और कहने लगते हैं, मेरे हृदय में है वेदना, कोई दुखी है मेरा सगा, मुझे याद पल पल कर रहा है निराशा की यही वजह, भक्तों की बात कुछ और है, ये है कोई मेरा प्यारा सखा, मेरा सखा मेरा सखा, कोई मित्र है मेरा प्यारा सखा। उधर तीन दिन के भूखे प्यासे और बेहाल सुदामा जी लोगों से द्वारिका जी का पता पूछते हुए आगे चले जा रहे हैं और कुछ दिनों की यात्रा के बाद वो द्वारिका नगरी के राजमहल के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं और अधिक थकान के कारण वो एक स्थान पर बैठकर सुस्ताने लगते हैं और दीवार का सहारा लेकर ऊंघते हुए कुछ ही देर में उनकी आंख लग जाती है। उनकी दयनीय स्थिति देखकर वहां से जाने वाले नगरवासी उन्हें भिक्षुक समझकर उनके सामने कुछ मुद्रा रखकर आगे बढ़ जाते हैं। नींद के कारण सुदामा जी ये सब देख नहीं पाते हैं। उनकी आंख तो तब खुलती है जब राज दरबार की तरफ से भिक्षुकों को वितरण करने के लिए वस्त्र तथा अन्य सामग्री को बाहर लाया जाता है और एक द्वारपाल उन्हें भिक्षुक समझकर वो दान देने लगता है तो सुदामा जी दान को लेने से मना करते हुए उससे कहने लगते हैं, श्रीमान भिक्षा लेने को मैं इस नगर नहीं आया हूँ, अपने सखा से मिलने को मैं द्वारिका जी से आया हूँ। एक दीनहीन भिक्षुक को बड़े बड़े वचन बोलते हुए देखकर द्वारपाल को बड़ा आश्चर्य होता है और वो उसका उपहास उड़ाते हुए बुरी तरह से सुदामा जी पर हंसता है और जब जी भर के हंस लेता है तो हंसते हुए विनोदाभास में उनसे कहने लगता है, श्रीमान साहूकार जी, यू समय ना अपना गवाइए, जहाँ रहता है मेरा सखा वहाँ शीघ्रता से जाइए। द्वारपाल के उपहास भरे वचन सुनकर सुदामा जी उसे उसके अनुसार जवाब देने का प्रयास करते हैं मगर फिर अपनी दशा देखकर सहम जाते हैं और उस द्वारपाल को पुनः देखकर उससे कहने लगते हैं,
है द्वारिका का स्वामी जो, वही तो है मेरा बाल सखा, मेरे प्राण है मनमोहना, मेरा सांवरा है मेरा सखा। ब्राह्मण हूँ झूठ न बोलूँगा, ये संस्कारों में पाया है, अगर तुमको ना विश्वास हो कह दो सुदामा आया है। संदेश सुन वो आएगा, मेरे गले लग जाएगा, मैं जानता हूँ कितना वो मुझे देख कर हर्षाएगा। विनती है आप से बस मेरी, मुझसे मिला दो मेरा सांवरा, मेरे प्राण है मन मोहना, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। मित्रों, मुरलीधर नाम के उस बूढ़े द्वारपाल को अब तक विश्वास हो चला था कि श्री कृष्ण जी और सुदामा जी के बीच कोई नाता अवश्य है, तभी ये ब्राह्मण देव इतने विश्वास के साथ भगवान श्री कृष्ण को अपना सखा बता रहे हैं। अतः द्वारपाल मुरली सुदामा जी को तसल्ली देकर उन्हें द्वारपाल कक्ष में बिठाकर राज दरबार में चला गया। राज दरबार में पहुंचकर वो अपने राजा को शीश नवाते हुए कहता है, प्रभु दीन हीन सा ब्राह्मण है, द्वारे पर आकर खड़ा, खुद को सुदामा कह के वो कहता है आपका है सखा। द्वारपाल मुरलीधर के मुख अपने बाल सखा सुदामा का नाम सुनकर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपने होशो हवास खो बैठते हैं और भूल जाते हैं कि वो द्वारिका के राजा हैं। वो बिना देर लगाए नंगे पैर ही उस तरफ दौड़ लगा देते हैं जहां पर उनका परम सखा बड़ी बेसब्री से उनकी प्रतीक्षा कर रहा है। भूल जाते हैं द्वारपाल कक्ष में बैठे सुदामा अपने प्यारे सखा को अपनी ओर भागता हुआ आता देख उठाकर उधर दौड़ पड़ते हैं जिधर भगवान कृष्ण भागते हुए उनकी तरफ आ रहे हैं। जब कृष्ण मुरारी ने सखा अपने गले से लगाया है, चारों नयन ने भाव से विरहा का जल बरसाया है। उधर कृष्ण से इधर सुदामा से भागते हुए एक दूसरे से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे शरीर से बिछड़े हुए प्राण। दोनों एक दूसरे को बहुत देर तक चिपटे रहते हैं और फिर जब कृष्ण सुदामा को देखते हैं तो उनकी दयनीय स्थिति देखकर एक बार फिर से रोते हुए उन्हें चिपट जाते हैं और कहने लगते हैं, क्या भूल मुझसे हो गई, जो भूला तू मुझको मेरे सखा, मेरे प्यारे सखा, मेरे प्यारे सखा, प्यारे सखा, मेरे प्यारे सखा।
भगवान कृष्ण ने जब सखा सुदामा की दयनीय हालत देखी दोस्तों, उनके मैले फटे हुए वस्त्र देखे, एड़ियों में फटी हुई बिबैयां देखी, पैरों में चुभे हुए कांटे देखे, तो भाव विवल होकर उनका कलेजा मुंह तक आ गया। वो उन्हें अपनी बाहों में उठाकर अंदर सिंहासन तक लेकर गए और उन्हें सिंहासन बैठाकर खुद भागकर अंदर गए और एक परात उठा लाए और खुद जमीन पर बैठकर उस परात में सुदामा के पैर रख लिए और एक एक करके सुदामा के पांव में गड़े कांटे निकालने लगे। दया के सागर भगवान कृष्ण सुदामा के पैरों की हालत देखकर बुरी तरह रो पड़े और अपने आंसुओं से अपने बाल सखा के पैरों को धोने लगे। महारानी रुक्मिणी सहित सभी दरबारी परेशान होकर ये सोचने पर मजबूर हो गए, ये कैसी मित्रता है जिसमें भगवान एक साधारण ब्राह्मण के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहा है। उधर कृष्ण सभी की सोच से परे अपने मित्र के चरणों की सेवा करते हुए सुदामा से बोले, तुझसे जो बिछड़ा मैं सखा, मैं दुखी था बेहाल था, पूछा न क्यों आकर मुझे, बिन तेरे क्या मेरा हाल था। अपने परम सखा के मुख ऐसे वचन सुनकर सुदामा को लगा कि उन्होंने कृष्ण के बारे में यह धारणा बना रखी थी कि वो राजा बनकर उन्हें भूल गया होगा। गलत था, क्योंकि उसके लिए वो द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण नहीं बल्कि उनका वही मोहना है जो गुरु संदीपनी के आश्रम में उन्हें दुर्बल समझकर उनके काम भी स्वयं कर देता था। सुदामा भाव विवल होकर रोते हुए कहने लगे, मैं ना सका मिलने तुम्हें, कर दे क्षमा मुझे सांवरा, मेरे प्राण है मन मोहना, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। मित्र सुदामा के पैरों का प्रक्षालन करते हुए उनके मुख से निकले एक एक शब्द को सुनने के बाद भगवान श्री कृष्ण एक बार सुदामा को अपने गले लगा लेते हैं और फिर अपने अंग वस्त्र से सुदामा के पैरों को साफ करते हुए कृष्ण उन्हें बड़े प्रेम से देखते हैं तो उनकी नजर सुदामा के कंधे पर रखे गमछे में एक कोने में बंधी किसी चीज पर जाती है। तब तुरंत ही सुदामा उसे छुपाने लगते हैं। कृष्ण गमछे के बारे में उनसे पूछने लगते हैं, हे प्रिय सखा गमछे में तुम है विशेष क्या जो छिपाए हो, मुझे है पता मेरे लिए उपहार इसमें ही लाए हो। सुदामा अपने प्रिय सखा भगवान श्री कृष्ण का भव्य रहन सहन देखकर सहम जाते हैं और अब उन्हें भगवान कृष्ण के लिए घर से लाया गया चिवड़े का उपहार बहुत तुच्छ नजर आने लगता है। अतः वो चिवड़े को छिपाते हुए बात बदलकर कृष्ण से कहते हैं, ये राह का मेरा भोज था नहीं ये कोई उपहार है, मैं भूल वश लाया न कुछ सखा क्षमा की दरकार है। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहां मानने वाले थे, वो तो गमछे के पीछे पड़ ही गए और सुदामा की एक न सुनते हुए गमछा छीनकर एक तरफ रखने लगे। तो सुदामा पुनः अपने सखा को समझाने के लिए कहते हैं,
अब मान जा मेरा सांवरा, ऐसे न बन तू बावरा। मेरे प्राण है मन मोहना, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। किंतु भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा की बात नहीं मानी और गमछे में बंधी पोटली छीनकर एक तरफ रखकर उसे खोलकर उसमें बंधे चिवड़े की सुगंध लेकर कहने लगते हैं कि भाभी श्री द्वारा भेजे गए इस अनूठे उपहार में कितनी अच्छी सुगंध आ रही है, परम आदरणीय भाभी श्री के हाथों की पावन सुगंध। ऐसा कहते हुए भगवान श्री कृष्ण ने एक मुट्ठी चिवड़ा भरकर अपने मुख में रखकर चबाने लगे और मित्रता भाव में इतने डूब गए कि सुदामा जी को एक लोक प्रदान कर दिया। पास बैठी उनकी पत्नी महारानी रुक्मिणी ये सब देख रही थी। वो समझ गई कि प्रभु जी ने अपने बाल सखा सुदामा को एक लोक दान में दे दिया है। तभी कृष्ण ने चिवड़े से दूसरी मुट्ठी भरी और उसे भी अपने श्रीमुख में डालकर आनंदित होकर चबाने लगे और इतने मग्न हो गए कि सुदामा को दूसरा लोक भी प्रदान कर दिया। रुक्मिणी जी को अब शंका हो गई कि कहीं भगवान चिवड़े की तीसरी मुट्ठी भरकर तीसरा लोक भी सुदामा को न दे दें। इसलिए उन्होंने भगवान कृष्ण का हाथ तीसरी बार गमछे में रखे चिवड़े के पास पहुंचने से पहले ही पूरा चिवड़ा उठाकर स्वयं खा लिया। ये देख भगवान कृष्ण ने महारानी रुक्मिणी से ऐसा करने का तात्पर्य पूछा तो रुक्मिणी जी बात को संभालते हुए कहने लगी, क्यों भूल जाते हो स्वामी तुम पत्नी का कुछ अधिकार है, दोनों में हो जो समानता, खुशियों का वो आधार है। अपनी पत्नी रुक्मिणी के मन की इच्छा जानकर और तीसरी मुट्ठी चिवड़ा खाने का असली कारण जानकर प्रभु श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं और सुदामा जी अपने सखा और सखी पत्नी अपनी भाभी जी का अथाह स्नेह देखकर गद गद हो जाते हैं और सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आते समय वो अपने सखा के बारे में क्या क्या सोच रहे थे, मगर इनका अपार प्रेम देखकर उनकी आंखों में से खुशी के आंसू फूट पड़ते हैं। रुक्मिणी जी अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहने लगती हैं, बस इसलिए अधिकार से ये प्रसाद मैंने भी खा लिया और इस तरह प्रभु आपसे मैंने भाग अपना भी पा लिया, हक मैंने हक में से आपके लेके प्रभु न बुरा किया, मैं तेरी प्रिया तू मेरा पिया, मैं तेरी प्रिया तू मेरा पिया। अपनी पत्नी के प्रिय वचन सुनकर भगवान कृष्ण का मन हर्षोल्लास से भर जाता है। इसके बाद वो अपने मित्र सुदामा की ओर निहारते हुए उनके लिए नए वस्त्रों की व्यवस्था करते हैं। सुदामा जी अपने पुराने और जर जर वस्त्रों को अपने गमछे में बांधकर पोटली बनाकर एक तरफ रख देते हैं। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से उनके परिवार के बारे में पूछते हैं, परिवार का परिचय सखा मुझको बताओ तुम जरा, कैसे है सब परिवार में
अब हाल भी तुम दो सुना। अपने परम सखा की बात सुनकर सुदामा सोचने लगे कि यदि मैं अपने सखा को परिवार की स्थिति की सच्चाई बताता हूं तो मेरी मित्रता का अपमान होगा और वो सोचेगा कि मैं इससे सहायता के लिए अपनी दयनीय स्थिति बता रहा हूं, और यदि झूठ बोलता हूं तो भी पाप समान होगा। हे प्रभु, मैं क्या करूं? भगवान कृष्ण अपने सखा को ध्यान से देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि मेरे सखा ने मेरे कहने के उपरांत भी परिवार के बारे में कुछ क्यों नहीं बताया। कुछ ना कुछ बात तो जरूर है, इसीलिए उन्होंने पुनः परिवार के बारे में पूछा। इस बार सुदामा चाहकर भी चुप नहीं रह पाते हैं और अपने सखा से नजरें चुराकर कहने लगते हैं, है कुटुंब चार प्राणी का, बस ये मेरा परिवार है, सब है कुशल मंगल बड़े, मेरा सुखी संसार है। सुदामा ये कहते हुए नजर नीचे कर लेते हैं, किंतु भगवान कृष्ण अपने हाथ से उनका मुख ऊपर करते हैं और उन्हें ध्यान से देखकर उनके मनोभाव को पढ़ लेते हैं और अपने प्यारे सखा की आंखों में आंखें डालकर कहने लगते हैं, व्यवहार से परिचित हूं मैं, मुझसे रहे कुछ तो छुपा, मेरे सखा मेरे सखा मेरे सुदामा प्यारे सखा। सखा सुदामा की हर एक आदत को उनके बालपन से जानने वाले अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण उन्हें देखकर समझ जाते हैं कि मेरा प्यारा सखा मित्रता की गरिमा बनाए रखने के लिए बहुत कुछ मुझसे छिपा रहा है। अतः भगवान श्री कृष्ण बात को बदलते हुए और उन्हें जलपान करवाते हैं और जलपान के बाद उनके सोने की व्यवस्था कर दी जाती है। संध्या के समय भगवान द्वारकाधीश उन्हें अपने साथ द्वारिका घुमाने के लिए राजसी रथ पर निकल पड़ते हैं। वो रथ के सारथी को अवकाश देकर स्वयं सारथी बनकर रथ को हांकने लगते हैं। निकले सुदामा संग प्रभु, उन्हें द्वारिका दिखलाने को, खुद सारथी हैं बने हरी, मित्रता की रीत निभाने को। राह में जो भी सुदामा को द्वारकाधीश के स्थान पर बैठा देखता है तो वो भ्रम में पड़कर सुदामा को कृष्ण समझकर उन्हें नमस्कार करता है, मगर बाद में वो जब भगवान श्री कृष्ण को रथ हांकते हुए देखता है तो उन्हें समझ नहीं आता कि उनके महाराज के साथ ऐसी कौन सी ये विभूति जिसके सारथी स्वयं जगन्नाथ द्वारकाधीश भगवान कृष्ण बने हुए हैं। सभी को नमस्कार करते हुए देखकर सुदामा कृष्ण से कहते हैं, उल्टी न गंगा बहाये सखा, अपनी जगह पे आइए, सब नागरिक अचरज में है, मुझे पाप और ना चढ़ाइए। किंतु भगवान कृष्ण उन्हें ये सब कहता हुआ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगते हैं। मुस्कुराते हुए सुदामा की ओर देखकर कहने लगते हैं, जो मैं हूं वो ही तू भी है, हम दोनों में है
बटा तू मेरा सखा, मैं तेरा सखा मेरा प्यारा सखा, मेरा प्यारा सखा। इसके बाद ब्राह्मण श्रेष्ठ सुदामा जी बड़े ही आनंद मंगल के साथ 3 माह तक अपने सखा द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण जी के साथ द्वारिका में ही रहे। किंतु इन 3 माह में लज्जावश न तो सुदामा भगवान श्री कृष्ण को अपने आने का उद्देश्य बता सके, और सब कुछ जानते हुए भी ना ही भगवान कृष्ण ने उनसे द्वारिका आगमन का उद्देश्य पूछा। श्री कृष्ण तो सुदामा आगमन के बाद उनके साथ ऐसे आनंद मंगल में डूब गए कि उन्हें अपने राजकाज की भी सुध न रही और ना ही सुदामा जी को अपने परिवार की याद आई। भगवान श्री कृष्ण के इस बदले हुए व्यवहार के कारण उनके सभासद सहित सभी दुखी हो चुके थे और वो सभी इकट्ठे होकर महारानी रुक्मिणी जी के पास पहुंचते हैं और भगवान कृष्ण के राजकाज पर ध्यान न देने की व्यथा सुनाते हैं। इस पर महारानी रुक्मिणी उन्हें इस मुद्दे पर भगवान श्री कृष्ण से विचार विमर्श का आश्वासन देकर वापस भेज देती हैं और सीधे जा पहुंचती हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, जो अपने परम सखा सुदामा के साथ वार्तालाप में मगन थे। महारानी रुक्मिणी को देखकर सुदामा वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही रुक्मिणी जी अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं, जब से सुदामा आए हैं हमें आपने बिसरा दिया, सुध ना रही किसी बात की और राज काज भुला दिया। अपनी प्रिय अर्धांगिनी रुक्मिणी के मुख से ऐसे कठोर वचन सुनकर द्वारकाधीश भगवान श्री नारायण के मुखमंडल से मुस्कुराहट उड़ गई, जबकि उधर दूसरे कक्ष में सुदामा भी भाभी रुक्मिणी जी के वचन सुनकर गंभीर हो जाते हैं। इधर भगवान कृष्ण को अपनी सीधी साधी अर्धांगिनी से अपने प्रिय सखा के संदर्भ में ऐसे अप्रिय वचनों की कदाचित अपेक्षा न थी। वो रुक्मिणी जी को समझाते हुए कहते हैं, जिस हेतु वो यहां आया है मुझे पूर्ण वो सब करना है, संपूर्ण लक्ष्य हो जाएगा तभी राज काज ये करना है। तुम मुख से कुछ ना कहो प्रिय, सुनते ही रूठ वो जाएगा, वो काया है मैं हूँ आत्मा, मेरा सखा मेरा प्यारा सखा। उधर सुदामा जी की तंद्रा अपनी प्रिय भाभी जी के वचन सुनने के तुरंत बाद टूट जाती है और उन्हें तुरंत अपनी पत्नी और बच्चों की याद आने लगती है। तुरंत उस कक्ष से ये सोचकर बाहर चले जाते हैं कि ये 3 महीने उन्होंने तो बड़े राजसी ठाठ बाठ में आनंद मंगल के साथ बिताए हैं, मगर इन 3 महीनों में उनकी पत्नी और बच्चों ने अपना गुजारा कैसे किया होगा। भगवान कृष्ण की सुदामा और उनके परिवार के लिए आगे की योजनाओं को जाने बिना बाहर जाकर वो अपने परिवार के बारे में सोचकर बुरी तरह रोने लगते हैं और तुरंत अपने घर वापस जाने का निर्णय ले लेते हैं। भगवान के पास आकर उनसे अपने घर वापस जाने की अनुमति लेने के लिए कहते हैं, घर अपने वापस जाने की अनुमति मुझे अब दीजिए, किस हाल में होंगे वहां, इतनी अरज सुन लीजिए। तो
अन्नदामा की बात सुनकर भगवान उनकी मनोदशा यानी मन के भाव को समझ लेते हैं और मुस्कुराते हुए उन्हें कुछ देर तक देखते हुए उन्हें समझाते हुए कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, घर में सभी खुशहाल हैं, सब करता धरता है प्रभु, फिर क्यों तुम्हें ये मलाल है। सहायता की बात तो दूर, ऊपर से भगवान कृष्ण के मुख से ऐसे वचन सुनकर वो अत्यधिक खिन्न हो जाते हैं, किंतु अपनी खिन्नता प्रकट किए बिना अपने प्रिय सखा से कहते हैं, मेरे मन का धीरज खो रहा, मुझे अब ना रोको मेरे सखा, मेरे सखा, मेरे प्यारे सखा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। अपने सखा भगवान कृष्ण से अनुमति मिलने के बाद सुदामा जी ने खिन्न मन से तुरंत राजसी पोशाक उतारकर एक तरफ रख दिया और अपनी वही पुरानी फटी हुई धोती पहन ली जिसे 3 महीने पहले वो पहनकर आए थे। अपना डंडा उठाकर सबसे पहले भाभी के कक्ष में जाकर उन्हें प्रणाम करते हुए चलने की अनुमति मांगी। महारानी रुक्मिणी उनका रूप देखकर आश्चर्यचकित होकर कहती हैं, देवर जी बतलाये दीजिए, ये वस्त्र धारण क्यों किया, बदहाल ये जो हाल है, जो देखेगा सोचेगा क्या। रुक्मिणी जी के शब्द सुनकर सुदामा के मन की खिन्नता और अधिक बढ़ जाती है और कुछ देर बनावटी मुस्कुराहट मुख पर लाते हैं, फिर रुक्मिणी जी के चरण स्पर्श करते हुए सर नीचे झुकाकर कहने लगे, कोई कुछ न कहने वाला है, मुझे देख कर भाभी मेरी जीवन का कड़वा सच है ये, और हैसियत है यही मेरी, नहीं होने दूंगा निरादर, मुझे प्राण से प्रिय सांवरा, मेरे प्राण है मनमोहना, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। और इसके बाद मित्रों, सुदामा जी भाभी रुक्मिणी जी से विदा लेकर वहां से निकल जाते हैं और सीधे पहुंचते हैं भरे दरबार में, जहां पर द्वारिकाधीश भगवान कृष्ण अपने राजकाज में उलझे हुए हैं और अपने मंत्री गणों से मंत्रणा में व्यस्त हैं। किंतु वो जैसे ही सुदामा को जीर्ण क्षीर्ण फटे और गंदे वस्त्रों में देखते हैं, अपने सिंहासन से उठकर खड़े हो जाते हैं और सिंहासन से उतरकर सुदामा के पास आते हैं और उन्हें सिंहासन की ओर चलने के लिए कहते हैं, मगर सुदामा अपना सिर हिलाकर सिंहासन की ओर जाने के लिए मना करते हैं और भगवान से कहते हैं, ना जाने कैसे होंगे सब, जिन्हें छोड़ कर हम आए हैं, कई माह बीते हैं यहाँ, यही सोच कर घबराए हैं। सुदामा अपने सखा कृष्ण से कहने लगे, सखा जी,
वहां मेरे गांव में मेरी पत्नी और मेरे बच्चे न जाने कैसे होंगे, उनका पालन पोषण कैसे हो रहा होगा। ग्रीष्म ऋतु है, ऐसे में अन्न तो दूर की बात, कुओं का पानी भी सूख जाता है। अब हमें जाने की आज्ञा प्रदान कीजिए। इतना सुनकर भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने प्रिय सखा से कहते हैं, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, सुनो ऐ मेरे प्यारे सखा, ईश्वर दयालु है बड़ा, वहां सब कुशल मंगल होगा। भगवान कृष्ण जानते हैं कि उनका सखा उनसे खिन्न है, परंतु वो फिर भी मुस्कुराते हुए उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं, मगर सुदामा उनकी एक नहीं सुनते और वो अपने जाने की जिद पर अड़े रहते हैं। अतः अपने मित्र की जाने की जिद देखकर भगवान कृष्ण उनको जाने का आदेश देकर एक कोचवान को रथ तैयार करके सुदामा को उनके गांव छोड़ आने का आदेश देते हैं, मगर मन में खिन्न और उदास सुदामा रथ पर जाने के लिए मना करते हुए कहते हैं, मैं खुद ही जाऊंगा, चला दे दो अनुमति मेरे सखा, मेरे प्यारे सखा, मेरे प्यारे सखा, मेरा सांवरा, मेरा प्यारा सखा। सुदामा अपने सखा भगवान श्री कृष्ण से अनुमति और विदा लेकर अपने घर के लिए चल पड़ते हैं। भगवान कृष्ण के साथ सभी सभासद उन्हें विदा करने के लिए मुख्य द्वार पर आते हैं। भगवान कृष्ण उन्हें विदा करते समय कुछ उपहार देने का प्रयास करते हैं, मगर उदास और खिन्न सुदामा बिना कुछ लिए ही चले जाते हैं। भगवान कृष्ण अश्रुपूर्ण आंखों से उन्हें विदा करते हैं। सुदामा के जाने के बाद कृष्ण अपने सखा का ध्यान रखने के लिए एक सेवक को रथ सहित उनके पीछे से भेज देते हैं, ताकि उनका मित्र 3 दिवसीय यात्रा में भूखा प्यासा न रहे। उधर सुदामा ये सोचकर परेशान है कि उन्होंने तो लज्जावश सहायता नहीं मांगी, परंतु सखा कृष्ण तो अंतर्यामी है, क्या उन्हें मेरे परिवार की दशा का किंचित मात्र भी ज्ञान नहीं है, और अगर सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने मेरी सहायता नहीं की, जिसका अर्थ यह है कि उनकी मित्रता सिर्फ दिखावे की है, वो नहीं चाहते कि उनका मित्र खुशहाल रहे। ऐसे विचार मन में लिए वो अपने घर की ओर बढ़े जा रहे हैं। इस जगत में सब झूठ है, कोई नहीं अपना यहां, सब जानता है हाल वो, फिर भी नहीं कुछ है किया। ऐसे ही विचारों में खोए हुए सुदामा जी अपने रास्ते पर चले जा रहे हैं, तभी एक बड़ा कांटा उनके पैर में चुभ गया, वो दर्द से कराहकर वहीं बैठ गए। तभी वहां पर एक रथ आकर रुकता है, जिसमें से एक साधारण सा व्यक्ति उतरकर उन्हें वैद्य के रूप में अपना परिचय देता है, उनके पैर से कांटा निकालकर उनके घाव का उपचार करता है और उन्हें जल पिलाता है और उन्हें अपने रथ में बिठाकर आगे बढ़ जाता है। रास्ते में वैद्य उनसे पूछता है कि मुखमंडल पर इतना ब्रह्म तेज होने के उपरांत भी वो इतने उदास क्यों हैं? इस पर सुदामा कृष्ण का नाम न बताते हुए अपनी आप बीती बता देते हैं। सुदामा की आप बीती सुनने के बाद वैद्य उन्हें समझाते हुए कहता है, तुम्हें हाल सारा बताना था, उस मित्र को आजमाना था, बुरे वक्त में जो काम आए
सच्चा सखा वो कहलाए। रथ में बैठे हुए वैद्य के वचन सुनकर सुदामा कुछ देर सोचने लगते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा अपनी गलती का एहसास भी होने लगता है। उन्होंने अपने मित्र को अपनी यात्रा का हेतु क्यों नहीं बतलाया। वो उस वैद्य के सामने अपनी गलती मानते हुए कहने लगते हैं, है ये भूल मेरे ना कह सका, बिन बोले कैसे वो जानता, मेरे प्राण है मन मोहना, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। शाम होते होते उस रथ सवार वैद्य ने सुदामा जी को यह कहकर रथ से उतरने को कहा कि अब उन्हें दूसरे रास्ते पर जाना है। सुदामा उस वैद्य को यह कहते हुए धन्यवाद देते हैं कि उनका गांव नजदीक आ चुका है और अब वो ठीक भी हो चुके हैं, अतः वो थोड़े से समय में पैदल चलते हुए घर पहुंच जाएंगे। सुदामा अपने गांव की ओर बढ़ चले। सुदामा जब अपने घर के पास पहुंचे तो वहां पर उनका झोपड़ा नहीं था। वो अचरज में आ गए कि गांव तो वही है, मोहल्ला भी वही है, अरे गली भी वही है, पड़ोसियों के मकान भी वही हैं, मगर उनका घर, अरे वो घर तो है ही नहीं जिसे वो छोड़कर गए थे, तो फिर ये महल किसका है। ये सोचकर वे परेशान हो गए और अपने पड़ोसी लीलाधर के पास जाकर कहने लगे, मेरा झोपड़ा था उस जगह जहां महल भाई अब खड़ा, आए समझना अब मुझे किस्मत खिलाए खेल क्या। इतना सुनकर लीलाधर बहुत जल्दी जल्दी उठा और उठकर सुदामा के चरणों में गिर पड़ता है और आंखों में आंसू लिए बुरी तरह फफक कर रोते हुए सुदामा जी से कहने लगा, प्रभु हमने आप के कारण श्री कृष्ण दर्शन पाया है, हाथों से अपने जिन्होंने घर आपका बनवाया है। इतना सुनते ही सुदामा सब कुछ भूलकर अपने घर की तरफ दौड़े, बिना सांस लिए घर के पास पहुंचे। उन्हें घर के बाहर वही रथ खड़ा मिलता है जिसमें बैठे वैद्य जी ने उनके पैर में से कांटा निकालकर ऐसा मरहम लगाया था कि एक बार में ही उनका घाव भर गया था। वो अपने प्रिय सखा का नाम ले लेकर अपने घर की तरफ भागे जा रहे थे। मेरे नयनों की शीतलता जो मेरे जिस्म की जो है आत्मा, मेरे प्राण है मन मोहना, मेरा सांवरा मेरा सांवरा। महल के दरवाजे पर पहुंचकर जब वो दरवाजा खटखटाते हैं और अपने बच्चों का नाम लेकर पुकारते हैं तो थोड़ी ही देर में उनकी पत्नी दरवाजा खोलती है। अपने सामने अच्छे और महंगे कपड़े पहने हुए और ढेरों जेवरों से लदी जब उनकी पत्नी उनके सामने आती हैं तो वे उसे देखकर पहचान नहीं पाते और वो सुशीला से ही अपनी पत्नी के बारे में पूछते हुए कहते हैं, हे देवी मुझ पे कृपा करें, मेरी पत्नी को बुलवा भी दें, है नाम जिसका सुशीला, मेरे हृदय की है वो आत्मा।
इतना सुनते ही जेवरों से लदी सुशीला को बहुत बुरा लगता है और वो सोचने लगती है कि इन जेवरों के कारण मेरा स्वामी मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। लानत है मुझ पर जो मैंने माया रूपी गहने पहने हुए हैं, जिनकी आभा में मेरे प्राण प्रिय स्वामी मुझे पहचान नहीं पा रहे हैं। ये सोचकर वो दुखी हो जाती है और आंखों में आंसू लिए अपने शरीर से सभी गहने उतार कर फेंक देती है। अपने पति के चरणों में गिरकर कहने लगती है, इस माया के कारण प्रभु पहचान ना पाए मुझे, मैं फंसी थी जंजाल में, स्वामी क्षमा करना मुझे। अपनी पत्नी सुशीला को पहचान कर सुदामा ने तुरंत उसे अपने गले लगा लिया। दोनों अंदर चले गए। अंदर जाकर सुदामा अपनी पत्नी सुशीला से सखा कृष्ण के बारे में कहते हैं, प्रिय कैसे बदला है समय, जो बना महल एक झोपड़ा, कैसे ये सब संभव हुआ, क्या कर गया मेरा सांवरा। अपने स्वामी सुदामा के अचरज भरे वचन सुनकर सुशीला मुस्कुराने लगती है और बड़े प्यार से अपने पति को एक पलंग पर बैठाती है, फिर उन्हें चांदी के बर्तनों में जलपान करवाती है। सुदामा चांदी के बर्तनों को देखकर फिर से अपनी पत्नी की ओर देखने लगते हैं। उनकी पत्नी उनकी मनोदशा समझकर उन्हें समझाते हुए कहने लगती हैं, प्रिय आप पहुंचे जो द्वारिका, तब आया एक बहरूपिया, कुछ कर्मचारी संग में थे, बोला उन्हें तुमने है भेजा। पत्नी के मुख से बहुरूपिया शब्द सुनकर सुदामा को आभास हो जाता है कि नित नई लीलाएं रचने वाला तो उनका सखा श्याम ही हो सकता है, किंतु श्याम तो उनके साथ द्वारिका में थे, तो फिर यहां पर कौन आया था? वो उसका परिचय जानने के लिए पत्नी से कुछ और अधिक बताने के लिए कहते हैं। तब पत्नी उन्हें बताते हुए कहती है, धन संपदा वो लाए थे, उससे महल है दिया बना, भंडार सारा भर दिया, हमें माला माल है कर दिया। सुशीला के मुख से उसके वचन सुनकर उनकी उत्सुकता बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि हमने तो किसी को भी नहीं भेजा, तो फिर ये कौन है जो हमारे घर को माला माल कर गया? घर के सभी भंडार भरे हैं। और अपनी पत्नी से उस आगंतुक के बारे में और बताने के लिए कहते हैं। सुशीला उन्हें और अधिक जानकारी देते हुए बताती है, कभी राजा और रंक वो, कभी गोरा और काला लगा, बहरूपिया बहरूपिया, कैसा अजब था बहरूपिया। सुशीला के मुख से ये वचन सुनने के बाद उन्हें विश्वास हो जाता है कि वो हो ना हो उनका प्यारा सखा, उनका मनमोहना सांवरा है, जो उनके मन की जानने के बाद उन्हें बिना बताए अपना एक अन्य रूप धरकर यहां पर चला आया, उनके बिगड़े सभी काज संभाल कर आया। उनके मुख से स्वतः ही फूट पड़ता है, जो था यहां पर था वहां,
वही मेरा प्यारा है सांवरा, न्यारी रचे लीलाएं वो, इस जग का पालनहारा। मित्रों, ऐसे वचन सुनकर सुशीला की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उस बहुरूपिये ने सुशीला के कहने पर घर के बहुत सारे काम भी किए। जैसे सुशीला के कहने पर बाजार जाकर भाजी खरीद कर लाया, खाना पकाया, बच्चों को संभाला, फिर भी उसके मुख से एक शब्द भी नहीं निकला। ये सोचकर सुशीला मूक बनी सुदामा की तरफ देख रही थी। मुझको खबर होने न दी, हर बिगड़ी उसने संवार दी, अपनी दया के तेज से किस्मत हमारी निखार दी। अपने पति सुदामा की बातें सुनकर सुशीला को सभी बातें याद आ गईं कि उसने किस प्रकार अपने पति के सखा के बारे में अनाप शनाप कहा, और जब वो यहां पर आया तो उससे घरेलू काम भी करवाए। सुशीला कुछ बोल नहीं पा रही थी, बस निर्झर आंसू बहाते हुए अपने पति के वचन सुन रही थी, जबकि सुदामा जी भी निर्झर आंसू बहाते हुए अपने सांवरे से मिलने के लिए बेचैन होकर उसकी प्रशंसा किए जा रहे थे। जाकर कहां वो छुप गया, मैं जिसका बन गया बावरा, मेरे प्राण है वो मनोहरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। सुदामा अपने सखा को याद करते हुए बार बार उसे अनुनय विनय कर रहे थे कि हे सांवरे, मैंने तुझे कितना गलत समझा, तेरे बारे में क्या क्या धारणाएं मेरे मन में घर कर गईं, उन सभी को क्षमा कर मुझे एक बार दर्शन दे दे, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि तेरे दीदार की इच्छा में मेरे प्राण ही ना निकल जाएं। ठीक ऐसा ही हाल सुशीला का भी था, वो भी भगवान श्री कृष्ण से एक बार दर्शन देने की विनती कर रही थी ताकि वो अपनी सोच अपनी करनी की क्षमा मांग सके, मगर भगवान सबका कल्याण करते हैं। तभी द्वार से आई सदा, घिर आई है भाई निशा, मैं बीच राह में फंस गया, मुझको मिलेगी यहां पनाह। सहायता के लिए बाहर से आ रही किसी मुसाफिर की आवाज सुनकर दयालु सुदामा अपने महल के मुख्य द्वार की ओर भागते हैं, और जैसे ही दरवाजा खोलते हैं तो सामने उसी वैद्य को पाते हैं जिसने रास्ते में सुदामा के पैर में कांटा लगने पर उनकी चिकित्सा की थी। सुशीला भी उस वैद्य को देखकर पहचानने का प्रयत्न करती है, उसे भी लगता है कि ये वही बहुरूपिया है जो आज नया रूप धरकर आया है। दरवाजे पर सुदामा को वैद्य के मुखमंडल की आभा देखकर ये भान हो जाता है कि हो ना हो ये उनका सांवरा ही है। वो उसे देखकर फफक कर रोते हुए वैद्य रूपी कृष्ण के पैरों में गिरकर रोते हुए कहने लगते हैं, बोले सुदामा अतिथि से लीला दिखाना तू सांवरे, अब दे दरस सखा रूप में, मुझे कर क्षमा तू प्यारे। वैद्य बने भगवान कृष्ण अपने पैरों में गिरे हुए सुदामा को बिना देर लगाए उठाकर अपनी छाती से लगा लेते हैं,
और वे उसके मुखमंडल को देखते हुए उसके आंसू पोंछकर एक बार फिर से गले लगा लेते हैं और फिर सुदामा से कहने लगते हैं, मेरी आन तू, मेरे प्राण तू, जीवन भी है तू ही मेरा, मेरा बावरा, मेरा बावरा, मेरा सांवरा, मेरा सांवरा। मित्रों, दोनों एक दूसरे के कंठ से एक बार फिर से ऐसे लग जाते हैं, ऐसे लग जाते हैं मानो प्राण और शरीर एक हो गए हों। प्रसन्नता के अश्रुओं की धार दोनों की आंखों से फूट पड़ती है। पीछे से रुक्मिणी जी भी वहां आ जाती है और वो सुशीला के गले से ऐसे चिपट जाती हैं मानो दोनों सगी बहनें हों।